ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइस चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करने का गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आपको करने का गाइस आप सभी को जाना है इसे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से आप सभी को पहले अपने मॉडल को ऐड करना है, सो यहां पे मॉडल को ले लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद गाइस जो आपका मॉडल होगा गाइस आप सभी को पहले यहां पे ऐड कैसे करना है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूं। पहले गाइस आप सभी को अपने मॉडल को गाइस कुछ हिसाब से ऐसे रखना है, ठीक है। और जो गाइस साइज होगा ना पे मॉडल का वो साइज आप सभी को रखना है गाइस, मतलब कि आपका जो मॉडल है उसका जो आपको लैग दिख रहा है गाइस जो दूसरे वाला जहां पे उसका हैंड है उसके पास आपको उस हैंड को उस वाले लैग को आपको यहां पे गाड़ी के पास यहां पे टच करना, जो कार है यहां पे बगल में आपको उसके पास थोड़ा सा टच करना है, क्योंकि गाइस इससे अभी हम जब यहां पे पेट्रोल का जो पीएनजी लगाएंगे तो उसका वो जब लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा यहां पे, ठीक है। तो आप सभी कुछ हाइट जो है इतना रखना है यहां पे, ठीक है, इतना हाइट रख देना है। एंड इतना कर देने के बाद आप सबको फिर करना, अब यहाँ पे डन नहीं करना, आप सबको यहाँ पे सिंपली ऐड फोटो में जाना है ऐसे। एंड गाइस यहाँ से जो हमारा पिटबुल है गाइस सबको उसका पीएनजी लेना है एंड यहाँ पे ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद गाइस जो आपका पिटबुल है गाइस उसका साइज क्या रखना है आप सबको मैं बता देता हूँ। आप सबको जो गाइस साइज है वो गाइस कुछ इतना रखना है, मतलब कि जो आपको पीछे से जो जो पेड़ पौधे दिखने का उसके हिसाब से आप सभी को यहाँ पे रखना है, यानी कि उससे ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड जो पीछे जो रेड रोड पे जो ये येलो कलर की लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है आपको, ठीक है, मॉडल जो पिटबुल है हमारा उसको नीचे की तरफ रखना है। फिर गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉडल का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, है ना, इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे यहाँ से भी हम डन नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे बनानी इनके नीचे शेडो, तो गाइस शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से हम यहाँ से ब्लैक कलर की शीट है जो इसको ओपन करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे रेजर टूल में जाएंगे एंड इसको यहाँ पे हम इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का जो साइज होगा गाइस उसको आपको कुछ इतना छोटा कर देना है, अराउंड को 70 तक रख लेना है। एंड उसके बाद गाइस फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद आप सबको गाइस यहाँ पे बनानी शेडो कुछ इस टाइप से। अभी तो गाइस आप में से कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा होगा शेडो है हमारी यार कुछ मतलब कि ऊपर की तरफ आ रही है, बट गाइस सबका सोल्यूशन है मेरे पास, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ आप सभी को वीडियो में पता लगेगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए वहीं वहीं पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड गाइस पिटबुल के नीचे आपको शेडो कैसे बनानी है वो चीज़ आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अपने पैरों के नीचे तो शेडो बना लोगे बट पिटबुल के नीचे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस वो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस पैर से आपको इसको ले जाना है एंड उस वाले को उस वाले पैर से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डन करना है, रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसे मूव डाउन कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद कर देने के बाद आप सभी को फ्री करना, आपको इसको ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना कुछ इतना, ओके। सो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन एक बार मूव डाउन कर देना ताकि जो मॉडल के नीचे चले जाए शेडो। एंड का जो शेडो होगी आपको कुछ इतना ओपेसिटी इसका यहाँ पे रख लेना, ठीक है, 42 तक रख लेना, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है विगनेट का पीएनजी, ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पे। एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको फिर करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, देखिए गाइस मतलब कि कितना अच्छा लग रहा है इस पीएनजी से, ठीक है। तो अभी आप सबको ये पीएनजी ऐड करना है, यहाँ पे कर देना है इसको डन। अब गाइस यहाँ पे आपकी बारी आती है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा फोटो के ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट डालने के लिए, मतलब आपका जो मॉडल है, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे एडजस्ट में, फिर यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब जाएंगे रेजर टूल में, इसको इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे एंड साइज कुछ रखेंगे हम छोटा, थोड़ा छोटा रखना है साइज, ठीक है। तो अभी हम फोटो को जूम करेंगे एंड एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो गाइस साइज अभी भी बड़ा है तो हम इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करेंगे। सो हम इतना साइज परफेक्ट है 14 तक। एंड इसके बाद कुछ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके। सो एक यहाँ पे करेंगे हम ड्रॉ एंड उसके बाद गाइस हम थोड़ा सा इसके हैंड के ऊपर भी करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, सो इतना परफेक्ट है। एंड यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा, एंड इतना करने के बाद हम थोड़ा इस वाले लेग पे भी कर देते हैं कुछ इतना, परफेक्ट है गाइस, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर डन करते हैं एंड उसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी जो है गाइस कुछ अराउंड 10 तक रख लेना, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन करना है। अब गाइस यहाँ पे आप सबको क्या करना है, आप सभी को यहाँ से अब इस फोटो को सेव करना है एंड इसको लेकर चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, ठीक है। लाइट रूम ऐप में लेकर चलते हैं, यहाँ से चलते हैं बैक एंड इसको लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया हमने, आप फोटो को ऐड कर रखा है। तो गाइस सबसे पहले आपको इस ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर गाइस आपको इसकी लाइटिंग अगर सही लगती है तो गाइस आपको ये रहने देना है, बाकी अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आपको सिंपली इस लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे तो मेरे लिए तो परफेक्ट है यहाँ पे, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट कलर में एंड यहाँ से हम मिक्स में चलते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर सॉरी ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड हम इसका जो है हमारे पीछे जो आपको पाइप वाइप दिख रहा है ग्रीन कलर के उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे ह्यू चेंज करेंगे एंड जो कार है हमारा इसका ह्यू भी चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है।
अब यहाँ पे गाइस हम थोड़ा सा ना इसमें ब्लू कलर डालेंगे अपने, मतलब कि जो ड्रेस वगैरह हमारी मॉडल की, उसके हम थोड़ा सा ब्लू टोन चेंज करेंगे, तो हम इसका जो ह्यू है माइनस करेंगे एंड सैचुरेशन भी थोड़ा कम कर देंगे, तो इतना परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको करते हैं डन, एंड इसके बाद जाना आपको थ्री डॉट्स में, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शेडो के सामने जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद जो आपका ह्यू है इसको ले जाना येलो टोन में, एंड जो सैचुरेशन है इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मिड टोन में, आपको इसको भी यहाँ पे ले जाना है येलो टोन और ग्रीन टोन के बीच में, एंड इसके बाद इसका भी सैचुरेशन आपको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे हाईलाइट में, एंड आपको उसका भी थोड़ा सा टोन मतलब येलो टोन में ले जाना है, इसका सैचुरेशन भी आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इतना परफेक्ट है, अब इसको हम डन करते हैं। एंड गाइस उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको जाना है इस वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको इसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस विग्नेट आपको उसको हल्का सा डाल देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अभी मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, परफेक्ट है। अब उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फिर उसके बाद गाइस जो फोटो की शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस नोड रोडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे आपको मिलेगा कलर नोड रोडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं गाइस हमारी जो फोटो में बैकग्राउंड पीएनजी से सब कुछ हमने लगा दिया, फिर रिटच भी कर दिया है। तो गाइस आई होप कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।